फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे अगर मैं सोचती कि मैं जॉब करूंगी या मैं जॉब करना चाहती हूँ, सो दैट विल बी टोटली एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर मी, राइट? सो हूसोएवर इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन और डूइंग सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, सो गाइज एग्जाम के साथ जॉब करना, चाहे ये जॉब हो चाहे और कोई भी जॉब हो, एक्स वाई जेड, मतलब हो ही नहीं पाएगा. बिकॉज होता क्या है, अगर आप लोग अपनी स्टडीज भी करते हैं, सेल्फ स्टडीज, तो उसका जो शेड्यूल रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है कि आप मॉर्निंग में उठेंगे, पहले आप अपना न्यूज़पेपर रीड आउट करेंगे, राइट? 2 घंटे आप उसके नोट्स बनाएंगे और अखबार पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं 1 घंटे के लिए. आई नो अगर आप लोग किसी क्लासेस में जाते हैं, कोचिंग क्लासेस में, तो दिन में आपकी क्लासेस होती है, राइट? 2 से 4 घंटा. फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज में हैं, मेट्रो से जाएंगे, मेट्रो से आएंगे, तो शाम आपकी इसी में हो जाती है. अगर आप सेल्फ स्टडीज में भी हैं तो आप दिन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, या आप कुछ आंसर राइट अपनी कुछ आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, या कुछ एमसीक्यू करते हैं, या कोई अपना स्टडी करते हैं. फिर शाम को भी आप सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँ, अभी मैं 2 चैप्टर इसके कर लूँ, 2 चैप्टर उसके कर लूँ. और रात में, आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव प्रैक्टिस द एमसीक्यू पार्ट, है ना? सो आई यूज टू डू द सेम, कि रात में मैंने दिन में जितना भी रीड आउट किया है, रात को मैं उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करती थी. सो आई होप आपका भी शेड्यूल कुछ इसी टाइप से होगा. सो अगर ये आपका शेड्यूल है, सो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस बीच में आप जॉब मतलब किस टाइप से करेंगे, क्योंकि जॉब का जो शेड्यूल होता है ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओके 3 आई कैन से, ओके, और रात के 10:30 बजे तक आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आप अपने एग्जाम की वो तैयारी करें, ठीक है? सो आई वुड नॉट से कि आप ये जॉब करें या और कोई भी जॉब करें, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है या थोड़ी भी स्टेबल है कि आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, अपना, अपनी फैमिली का, और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी भी हो सकती है, देन आई मस्ट से डोंट गो फॉर एनी जॉब. आई डोंट से ओके दिस जॉब दैट जॉब, आई आई वुड से एनी जॉब, कोई भी जॉब को मत करिए, सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा हो ही नहीं पाता है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ आप अपनी जॉब को करते हैं, सो ऐसा नहीं हो पाता है, पॉसिबल. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर किसी के फैमिली में कोई इशू है, फिनेंशियल इशू है, आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़रूरत है, ठीक है, आपके फैमिली को रिक्वायरमेंट, सी आई अंडरस्टैंड कि हाँ, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, या अभी कोविड आया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई फैमिलीज में, ठीक है? सो इस टाइप की कंडीशंस होती हैं, आई डू अंडरस्टैंड, राइट? सो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज, आप फुल टाइम के लिए मत जाइए, ठीक है? आप लोग एक पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑप्ट कीजिए, चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बिकॉज वहाँ पे आपको एक मतलब रीजनेबल अमाउंट भी मिल जाएगा, है ना? और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होगी कि आपको अपने जो डे रहेगा पूरा दिन, यू जस्ट हैव टू गिव 4 to 5 days, 4 to 5 hours, आई एम सो सॉरी, एक दिन में यू हैव टू जस्ट गिव योर 4 to 5 hours, एंड आई थिंक 4 to 5 hours इज नॉट अ बिग डील. अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं शाम को घूम आऊँ या मैं बाहर घूम आऊँ, मैं बोर हो रहा हूँ, सो उस टाइम पे यू कैन एक्चुअली डू योर जॉब, लेकिन लेट मी वॉर्न यू, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी, ठीक है? सो बी रेडी उस चीज के लिए कि आप उस हेक्टिक लाइफ को मतलब संभाल पा रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ऐसा नहीं होता क्या कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब पे भी जाते हैं, दे डू देयर जॉब्स ऑल्सो एंड दे ऑल्सो गिव देयर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो. तो मैं आपको एकदम ही ऐसा नहीं बोलूंगी कि लाइक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इफ यू कैन, राइट? आप चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं और आप साथ में पढ़ भी सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, बट यार इट डिपेंड्स कि मतलब मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या क्षमता है, मेरी क्या स्टडी पावर है, मेरी क्या विल पावर है, सो दैट टोटली डिपेंड ऑन दैट. सो हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांग है, सो यू कैन गो फॉर इट,
राइट जॉब कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि 8 आवर्स की जॉब जो है बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रही है, सो यू कैन गो फॉर द पार्ट टाइम जॉब्स ऑल्सो विच मे टेक योर 4 to 5 hours इन अ डे, और वो आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ सैलरी भी देगी. आई नो दैट बिकॉज वेन यू आर इन स्टूडेंट लाइफ यू टेंड टू हैव सम अमाउंट दैट कि मेरा फोन रिचार्ज हो जाए, मैं कहीं बाहर जाऊँ बर्गर खाने के लिए तो मुझे बर्गर का अमाउंट मतलब किसी से मांगना ना पड़े फैमिली में. आई डू अंडरस्टैंड कि आप चाहते हैं कि आपके थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस आप खुद से उठा सके, बुक्स का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा. आई नो जब आप स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाते हैं ऐसा नहीं होता कि आपने एक बारी में बुक्स ली और काम खत्म. आई नो वहाँ पे न्यूज़पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे मैगजीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है. ईच एंड एवरी डे यू हैव टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट, और अगर ये सब भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो आपके मंथली टेस्ट सीरीज उसमें तो आपको स्पेंड करना ही पड़ता है. जो मंथली सीरीज आती है ना, जो मार्केट में जो बुकलेट्स आती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. आप लोग स्टडी कर रहे हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप MCQs की जो बुकलेट्स आती है ना उसको भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि वहीं से हमें अंदाजा लगता है कि वट इज आर एक्चुअल स्टेटस फॉर द एग्जामिनेशन एंड वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड फॉर आर एग्जामिनेशन. सो आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है. सो ओके सी यू सून अगेन इन द अपकमिंग वीडियोज, एंड आई रियली होप कि आप अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छे से करें, और जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो अपने क्षमताओं को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, अपनी कंडीशंस को देखते हुए ओके अपना डिसीजन लीजिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर 18+, सो यू कैन एब्सोल्युटली टेक योर डिसीजंस, और आप अपने बारे में सबसे अच्छा समझते हैं. ओके विद दिस थैंक यू सो मच, स्टे पॉजिटिव. Goodbye and see you soon in the next video.